हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुमाइल है, आप देख रहे हैं वाई टेक न्यूज 85 की वीडियो। आज मैं करूंगा कंप्लीट कैमरा रिव्यू नार्जो 30A का, और आपको बताऊंगा क्या गेमिंग के अलावा ये फ़ोन कैमरा में भी उतना ही अच्छा है जितना गेमिंग में अच्छा है, या फिर कैमरा सेंट्रिक फोन इस फ़ोन से थोड़ा दूर रहें और सिर्फ गेमर्स के लिए ये फ़ोन है। तो सबसे बात करूँ अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो स्पेसिफिकेशन बहुत ही सिंपल है। बैक पे सिर्फ दो कैमरे, 13+2। 13 मेगापिक्सल जो कैमरा है वो f2.2 अपर्चर पे है। 2 मेगापिक्सल जो कैमरा है वो एक ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर है जो कि डेप इफेक्ट में काम करता है, और फ्रंट पे आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है जो कि f2.0 के अपर्चर पे आती है। तो सबसे पहले बात करूंगा पिक्चर्स की, लेट्स जंप टू द पिक्चर्स। सबसे पहले बात करता हूँ इसके सॉफ्टवेयर की, कि सॉफ्टवेयर यहाँ पर आपको कैसा मिलता है, कैमरे का जो इंटरफेस है वो कैसा मिलता है। तो यहाँ पर हम कैमरे की एप्लीकेशन ऑन कर लेते हैं। ऊपर की तरफ आपको HDR का ऑप्शन मिलता है, फ्लैश का ऑप्शन मिलता है, क्रोमा बूस्ट का ऑप्शन मिलता है। जैसे क्रोमा बूस्ट को ऑन कर सकते हैं, क्रोमा बूस्ट से जो कलर्स हैं वो बूस्ट हो जाते हैं, और यहाँ पर आपको फिल्टर्स वगैरह मिल जाते हैं, तरह तरह के आप फिल्टर लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको सेटिंग्स का, टाइमर, और यहाँ पर आपको जो है फ्रेम का ऑप्शन मिल जाता है। तो ऊपर की तरफ इतने ऑप्शन रखे गए हैं, नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको फोटो, वीडियो, नाइट मोड का ऑप्शन मिल जाता है। बैक कैमरा से आप नाइट मोड पर पिक्चर ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको जो है पोर्ट्रेट का भी ऑप्शन मिल जाता है बैक कैमरा से, और मोर पे जाएंगे तो आपको स्लो मोशन भी मिल जाएगा जो कि इस प्राइसिंग में एक अच्छी चीज़ है। बाकी यहाँ पर आपको एक एक्सपर्ट का ऑप्शन मिल जाता है कि आप जो है एज अ एक्सपर्ट प्रो मोड पर जो है वीडियो पिक्चर लें, और यहाँ पर आपको गूगल लेंस और टाइम लैप्स का ऑप्शन मिल जाता है। अब मैं बात करूँ अगर सेल्फी कैमरा की, तो सेल्फी में आपको यहाँ पर जो ऑप्शन मिलते हैं वो ऑप्शन मिलते हैं पोर्ट्रेट का और फोटो का ऑप्शन मिल जाता है। और सेल्फी कैमरा में आपको कोई भी नाइट मोड का ऑप्शन नहीं मिलता, और मोर पे जाके यहाँ पर आपको सिर्फ पानो और टाइम लैप्स का ऑप्शन मिलता है। सो यही था जो ऑप्शन मिलते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ वीडियोज़ की, तो वीडियोज़ पर जाने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो वीडियो की जो रेजोल्यूशन मिलती है वो मिलती है फुल HD 30 फ्रेम पर सेकेंड और 720 पिक्सल। और बैक पे भी आपको सेम रेजोल्यूशन मिलती है। बैक पे देखा जाए तो बैक पे अगर मैं देखूँ तो बैक पे भी आपको जो वीडियो की रेजोल्यूशन है वो सेम मिलती है। कोई भी यहाँ पर 60 फ्रेम वाला मजाक नहीं है, और कोई भी आपको 4K की सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिलती। बाकी अब हम जाते हैं डायरेक्ट फ़ोटोज़ पे, और आपको बताऊँगा कि कैसी फ़ोटोज़ हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ नार्जो 30A के 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरे से, और यहाँ पर ये फुल HD 30 फ्रेम पर सेकंड पर बन रही है। देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी ज़्यादा वाइड कैमरा है, ऐसा नहीं है कि आपको जो है जूम आउट कर रहा है, और डिटेल काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे। माइक की क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, माइक भी इसी से रिकॉर्ड हो रहा है, माइक की क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। बाकी माइक मुझे मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा माइक कैसा लगा, और कंक्लूजन की भी बात करेंगे अपने। और मैं जैसे कि बैकवर्ड चल रहा हूँ, तो देख सकते हैं आप कि जो स्टेबलाइजेशन है वो कैसी आ रही है। और अब हम जाते हैं बिल्कुल अंधेरे में। तो भाई यहाँ पर जो है ये फ़ोन जो है वो जो हमारी डार्कनेस है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि लो लाइट में 8 मेगापिक्सल जो कैमरा है वो इतना अच्छा नहीं है। अब हम और ज़रा जाते हैं, सो देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग कि लो लाइट में जो है ये कैसा काम कर रहा है कैमरा। और हम जाते हैं और लो लाइट में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्टेबलाइजेशन है वो कैसी कर रहा है ये फ़ोन। मेरे ख्याल में 8 मेगापिक्सल के लिहाज से काफ़ी जो है अच्छा काम कर रहा है फ्रंट कैमरा, अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करना चाहते हो, और अगर आपका बजट कम है तो सही है, नॉर्मल है, बुरा नहीं है। एक्सपोजर अच्छा मेंटेन कर रहा है, ऐसा नहीं है कि एक्सपोजर में इशू हो रहा है, फिर इस प्राइसिंग के जो फ़ोन है वो एक्सपोजर में काफ़ी मसला करते हैं। अब हम जैसे ही डे लाइट में जाते हैं तो इसका जो रिज़ल्ट है कैमरे का वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है, और देख सकते हैं अब जो है पीछे की तरफ लाइटनिंग है, और आगे जो है मेरा चेहरा है तो इसने बिल्कुल ब्लैक कर दिया चेहरे को। जो लाइटनिंग है पीछे की तरफ वो बैक लाइट HDR जो है ये सही से नहीं कर पा रहा है। तो जाहिर सी बात है 8 मेगापिक्सल कैमरा है, तो उससे आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब हम चलते हैं बैक कैमरा की तरफ 13 मेगापिक्सल का, देखते हैं उसकी क्वालिटी कैसी आती है। सो दोस्तों, ये है बैक कैमरा, फुल HD 30 फ्रेम पर सेकंड पे ये वीडियो बन रही है।
और माइक भी इसी का रिकॉर्ड हो रहा है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डायनेमिक रेंज वगैरह की तो मुझे ठीक ठीक लग रही है, और कैमरा जो है वो ऐसे स्ट्रक भी नहीं हो रहा, और यहाँ पर कुछ आपको AIS की सपोर्ट नहीं मिलती है, तो ये वीडियो भी आपको जो है थोड़ी सी शेकी होने वाली है। बाकी बात करूँ अगर इसकी रिज़ल्ट की, तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट मुझे आ रहा है वो बस ठीक ठाक है। अगर 13 मेगापिक्सल को देखा जाए तो कैमरा इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ पर आपको जो है कोई 48 या 64 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं मिलता है, तो वो बात है यहाँ पर। लेकिन कैमरे का जो रिज़ल्ट है वीडियो में वो इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर कैमराज जो है ना वो फोकस नहीं कर पाते हैं, कुछ तो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाता है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी जो है वीडियोस बना रहा है। अभी मैं काफ़ी ज़्यादा डार्क कंडीशन में हूँ, वहाँ पर भी बैक कैमरा मुझे अच्छा काम करता हुआ दिख रहा है। सो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि जो इमेज स्टेबलाइजेशन है यहाँ पर नहीं मिलती है, इसलिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा जर्की आ रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो डिटेलिंग है वो मुझे इनफ मिल रही है 13 मेगापिक्सल के रिगार्डिंग। सो दोस्तों ये था इसका फुल HD 30 फ्रेम सेकेंड का एक फुटेज। अब हम इसके स्लो मोशन को चेक करते हैं कि स्लो मोशन कैसी कर रहा है ये वीडियो। चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो दोस्तों पहली जो फ़ोटो है हमारे पास, ये देख सकते होंगे ये पिक्चर कि ये एक फ्लैट की पिक्चर है, पीछे जो है आपको जो है वो स्काई दिख रहा है और स्काई के पीछे आपको घर भी दिख रहे हैं जो काफ़ी दूर हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा बैलेंस किया है, स्काई को बिल्कुल भी ओवर एक्सपोज नहीं किया, स्काई का जो कलर है बिल्कुल साफ विजिबल हो रहा है, जैसा कलर था वैसे ही रखा, और फ्लैट्स को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा शेडो में लिया, और नीचे जो शेडो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे मुझे लग रहे हैं जिस प्राइसिंग पे ये फ़ोन आता है। और 13 मेगापिक्सल जो कैमरा है ऑन पेपर इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन डे लाइट में कंडीशन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। अब दूसरी पिक्चर देखते हैं, यहाँ पर ही आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर जो शेडोज़ हैं काफ़ी ज़्यादा जो है शेडोज़ में जो नीचे जो स्क्रैप है उसकी डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और जो ग्रीन है उनकी जो कलर्स हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, जो ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं उनका कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और जो दूर के घर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा विजिबल हो रहे हैं इस पिक्चर में। नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं कि यहाँ पर ग्रिल है सामने, ग्रिल के जो आके जो है वही एरिया है जैसा कि हमने अभी देखा, तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है ना एक्सपोजर ही मेंटेन किया हुआ है, और किसी भी चीज़ को ओवर एक्सपोज नहीं किया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा और बैलेंस पिक्चर आई है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि पानी का वॉल है, अब इस वॉल की पिक्चर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी ली गई है, कलर्स काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हैं और डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब दूसरी पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर अनियंस जो हैं, अनियंस के जो कलर्स है जो डिटेलिंग है, और सबसे अच्छी बात ये ट्रू टू लाइफ कलर है, कुछ भी चीज़ ज़्यादा एक्सपोज नहीं की गई, मैंने कोई भी यहाँ पर क्रोमा बूस्ट वगैरह ऑन नहीं किया था, ये सिंपल उसमें पिक्चर ली है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल और अच्छी इमेजेस लगी मुझे ये, कोई भी पिक्चर ब्लर्ड नहीं है। यहाँ पर दूसरी देख सकते हैं दोबारा अनियन की पिक्चर है, बिल्कुल भी ब्लर्ड नहीं है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिटेलिंग है। अब मैं यहाँ पर देखें ये जो है जो पॉट रखा हुआ पानी का, इसकी भी डिटेलिंग आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है ना अच्छी नज़र आ रही है, ओवर शार्पनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और बैक पे जो ग्रीन जो प्लांट है वो भी काफ़ी ज़्यादा विजिबल है, ऐसा नहीं है कि उसको जो है ओवर एक्सपोज कर दिया हो। तो ऑल इन ऑल मुझे इसकी जो डिटेलिंग है, जो कैमरा है बैक कैमरा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखें ये जो है ये पूरा जो है लॉन्ग एक्सपोजर में पिक्चर ली हुई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डिटेलिंग है, जो कलर्स हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है ये कैप्चर कर रहा है। सो ऑल इन ऑल इसकी डे लाइट की जो परफॉर्मेंस है वो तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है।